हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो YouTube चैनल। दोस्तों, क्या आपके एरिया में भी Amazon, Flipkart, Zomato, Swiggy ऐसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज देने से कतराते हैं और आपके एरिया में जो चीज मिलती है या फिर खाना मिलता है वो प्रोवाइड नहीं कर पाते? अगर दोस्तों आपका आंसर है हाँ, तो आप भी बना लीजिए ना दुनिया के सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस जैसा खुद का Amazon जैसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे सब कुछ मिले, वो भी सिर्फ 2-3 हजार रुपए खर्च करके। अब दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या अटपटी बातें कर रहा हूँ, कहाँ वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान और हम गाँव के गली कूचे में रहने वाले लोग हम Amazon, Zomato, Swiggy, Flipkart जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म कैसे बना पाएंगे? दोस्तों, मैं कह रहा हूँ आप जरूर बना पाएंगे, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपना खुद का Amazon, Flipkart, Zomato, Swiggy जैसा बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, वो भी सिर्फ 2-3 हजार रुपए इन्वेस्ट करके। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी आपको अपना Amazon बनाने के लिए जो भी डिजिटल टूल्स की जरूरत होगी वो भी प्रोवाइड करेगी और साथ ही साथ बिजनेस कैसे चलाना है उसकी ट्रेनिंग भी देगी। मतलब दोस्तों, यूं समझ लीजिए आपको MBA वाला ज्ञान भी मिलेगा और साथ ही साथ बिजनेस चलाने के लिए गाइडेंस भी। है ना जबरदस्त बिजनेस आइडिया? सो दोस्तों, जो कंपनी आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है उस कंपनी का नाम है eSamudaay। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि eSamudaay एग्जैक्टली है क्या। देखिए दोस्तों, ये एक सुपर एप्लीकेशन है जिस पर न सिर्फ लोगों को फूड, ग्रोसरी, हाउसहोल्ड और भी तरह तरह की सर्विसेज मिल सकती है, बल्कि इस पर आप अपना ऑनलाइन सुपरमार्केट भी बना सकते हो। ये ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अपने लोकल मर्चेंट के साथ जुड़कर ऑनलाइन बिजनेस करने का मौका देता है। इसके जरिए एक ही लोकल एरिया के अलग अलग सेलर्स और कस्टमर्स को एक ही प्लेटफॉर्म मिलता है जिसपे लोग अपनी पसंद का सामान अपनी पसंद के लोकल एरिया के शॉप से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इस ऐप पर आप स्विगी, जोमेटो की तरह अपने आसपास के दुकान वालों से टाइप करके कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। बेसिकली किसी भी गांव, शहर और डिस्ट्रिक्ट के लिए एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जिसे वहीं का कोई भी लोकल बंदा शुरू कर सकता है। इसे स्टार्ट करने के लिए और चलाने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी वो भी आपको eSamudaay प्रोवाइड करेगी। इस ऐप के जरिए ना सिर्फ आप सामान बेच सकते हैं, इसके अलावा प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन ऐसी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अब दोस्तों, हो सकता है आपको लग रहा होगा मैं आपको बार बार लोकल डिलीवरी के लिए क्यों बोल रहा हूं। तो दोस्तों, मान लीजिए आप ऐसे गांव या कस्बे में रहते हैं जहां पर ज्यादातर लोग अपने घर से ही बिजनेस करते हैं, जैसे कि अचार पापड़ का बिजनेस हुआ, मिठाई का बिजनेस हुआ, टिफिन सर्विस का बिजनेस हुआ। अब दोस्तों, आप सोचिए टॉप्स के अचार और लिज्जत पापड़ के सामने कोई इनके अचार और पापड़ को क्यों खरीदेगा? इसके अलावा जब मार्केट में जोमेटो, स्विगी है तो इनके टिफिन सर्विस से कोई ऑर्डर क्यों करेगा? तो दोस्तों, ऐसे में तो इन बड़े ब्रांड्स के सामने आपके लोकल एरिया के लोगों की मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं रही। लेकिन जब आप अपने लोकल एरिया के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर टाइप करेंगे तो आपके आसपास के कस्टमर्स को कम टैक्स में उनके पसंद का सामान मिल जाएगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की डिमांड तो बढ़ेगी और साथ ही साथ आपके लोकेलिटी से और भी ज्यादा बायर्स और सेलर्स आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपका प्लेटफॉर्म और भी बड़ा होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर कोई क्यों जोमेटो और स्विगी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को छोड़कर आपके साथ टाइप करेगा? सो दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि स्विगी और जोमेटो रेस्टोरेंट वालों से ज्यादा कमीशन लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपना कमीशन कम रखोगे तो लोग आपके साथ खुशी खुशी जुड़ना पसंद करेंगे। दूसरी बात, आप लोगों को ये भरोसा दिला सकते हो कि मैं आपके आसपास का ही बंदा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है। स्विगी जोमेटो में आप किससे कॉन्टेक्ट करते बैठेंगे? इसके जरिए लोगों को अपने आसपास की सर्विस की जानकारी भी मिल जाएगी, जिससे लोग दूर ना जाकर अपने आसपास के रेस्टोरेंट और स्टोर से अपना सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप लोकल सेलर और बायर्स की जानकारी भी रखते हैं, जिससे लोगों का एक दूसरे पर और आप पे भरोसा बना रहता है। अब दोस्तों, आपको लग रहा होगा हमको eSamudaay क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी आपको जितनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है शायद ही कोई और कंपनी प्रोवाइड करेगी। अब दोस्तों, मान लीजिए आप अपने दम पे कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, हम एग्जांपल के हिसाब से फूड डिलीवरी का ही ले लेते हैं, तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी जिसके लिए आपका 3-4 लाख रुपया खर्चा जाएगा। उसके बाद में आपको अलग अलग रेस्टोरेंट से टाइप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एडवर्टाइजमेंट भी करना पड़ेगा, जिसमें भी आपका कॉस्ट इन्वॉल्व होने वाला है, और इनकेस अगर आपका बिजनेस नहीं चला तो आपको जबरदस्त नुकसान हो सकता है। और दोस्तों, आप खुद जानते होंगे बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कम से कम 2-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। eSamudaay पे आपको 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से एप्लीकेशन रेट पे मिल जाएगी, जिसको अगर आप खुद बनाने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होने वाला है। और ना सिर्फ एक ऐप बल्कि एक एस्टैब्लिश ऐप आपको रेंट पे मिलने वाली है, जिसके लिए ऑलरेडी एक टेक टीम काम कर रही है। और दोस्तों, अगर आप चाहो तो बिजनेस 1 या 2 मर्चेंट के साथ भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये ऐप आपको आपके बिजनेस का मैनेजमेंट बनाए रखने के लिए एक वेल डेवलप्ड सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करता है, और साथ ही आपको बिजनेस कैसे हैंडल करना है उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार का टारगेट नहीं दिया जाता, इसको आप अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हो। और दोस्तों, कमीशन रेट भी आप अपने हिसाब से तय कर सकते हो। और दोस्तों, आपको अपना मार्केट एरिया कैसे बढ़ाना है ये आप पे डिपेंड करता है, और अगर आपका बिजनेस अच्छे से चलने लगा और आपको फंड की जरूरत है तो eSamudaay आपको फंड दिलाने में भी हेल्प करता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप eSamudaay पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा,
जिसके लिए आपको अपने बेसिक डिटेल्स भरनी होगी और उसके बाद में आपको सामने से ई समुदाय की तरफ से कॉल आएगा और उसके बाद में आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको आपका बिजनेस हैंडल करने के लिए सेलर ऐप, डिलीवरी एजेंट ऐप और कंज्यूमर ऐप मिलेगी, जिसके जरिए आप अपने लोकल एरिया के सेलर और डिलीवरी एजेंट्स के साथ टाइप कर पाएंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपको मिलेगा एक मैनेजिंग सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से आप अपने कस्टमर्स, सेलर और डिलीवरी सर्विसेज को मैनेज कर पाओगे। अब दोस्तों आप खुद सोचिए, अगर आप अपना खुद का एप्लीकेशन बनाने जाएंगे तो आपका कितना खर्चा आएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पे करना पड़ता है हर महीना 3,000 रुपया, जो आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस शुरू करने से पहले आपको ई समुदाय की तरफ से 2 दिन की ट्रेनिंग भी मिलेगी, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आपके स्टार्टअप को शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी और किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस ट्रेनिंग के बाद में आप अपना बिजनेस बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट के आसानी से रन कर पाएंगे। उसके बाद में दोस्तों जब आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा और आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ेगी तो आपको फंड दिलाने में ई समुदाय आपकी हेल्प करेगा, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दोस्तों अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि आपको ई समुदाय की तरफ से क्या क्या चीजें मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ई समुदाय आपको वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा जो आपको बिजनेस रन करने के लिए बहुत जरूरी होगी। जैसे कि आपको इनकी तरफ से 4 एप्लीकेशन मिलेगी, सबसे पहली कस्टमर ऐप, दूसरी मर्चेंट ऐप, तीसरी डिलीवरी एजेंट ऐप और चौथी बिजनेस मैनेजमेंट ऐप। चलिए दोस्तों इन चारों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहली कस्टमर ऐप। दोस्तों इस ऐप की मदद से कस्टमर अपने आसपास के, मतलब लोकल एरिया के जितने भी मर्चेंट होंगे, सेलर्स होंगे, उनके लिस्ट और डिटेल्स देख सकते हैं। दूसरा मर्चेंट ऐप। दोस्तों इस ऐप की मदद से दुकानदार या फिर रेस्टोरेंट अपने कस्टमर से ऑर्डर ले सकते हैं, अपना कैटलॉग बना सकते हैं, इसके अलावा अपना ऑनलाइन स्टोर को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा डिलीवरी एजेंट ऐप। दोस्तों ये ऐप उन डिलीवरी एजेंट्स के लिए है जो स्टोर से प्रोडक्ट को पिकअप करते हैं और कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर करते हैं। चौथा बिजनेस मैनेजमेंट ऐप। दोस्तों इस ऐप की मदद से आप बाकी के 3 एप्लीकेशन को मैनेज कर पाएंगे, ये बिजनेस ओनर के लिए होता है, मतलब ये आपके लिए होगा। दोस्तों इस ऐप की मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि सेलर कस्टमर को टाइम पे सामान दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसका कैटलॉग बराबर है या नहीं, या फिर जो डिलीवरी एजेंट है वो टाइम पे डिलीवरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब दोस्तों आपके बिजनेस से जुड़ी हर वो चीज आप मैनेज कर पाओगे जो आपके बिजनेस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। अब दोस्तों आपको इस चीज का आइडिया नहीं है तो आप ई समुदाय के बिजनेस एक्सपर्ट काउंसलर्स की मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों ई समुदाय के बारे में मैंने आपको सारी जानकारी तो दे दी है, चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको कितने इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ने वाली है और साथ ही साथ में आप पैसे कैसे कमा पाएंगे। दोस्तों अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो ई समुदाय के साथ अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों एप्लीकेशन तो आपको 3,000 रुपए पर मंथ रेंट पे मिल जाएगी। इसके बाद में आप अपने आसपास के एरिया में जाकर दुकानदार और कस्टमर से बात कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पर दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा डिलीवरी एजेंट की सैलरी पे करने के लिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, पर मंथ आपको 3,000 रुपए रेंट पे करना पड़ेगा एप्लीकेशन का। इसके अलावा आपके साथ जो डिलीवरी एजेंट काम करेंगे उनको आपको सैलरी देनी होगी। अब दोस्तों अगर मैं कमाई की बात करूं तो इस एप्लीकेशन पे आप कमीशन रेट अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों जितने भी बड़े बड़े मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी, ये सारे के सारे अपने सेलर से उनके प्रोडक्ट कस्टमर तक डिलीवर करने के लिए 20% से लेकर 40% का कमीशन लेते हैं। लेकिन दोस्तों आपकी ऐप एल कॉमर्स, मतलब लोकल कॉमर्स के हिसाब से काम करती है, तो आप क्या कर सकते हैं, दुकानदार या फिर अपने बजट के हिसाब से कमीशन सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फूड आइटम पे 10% से लेकर 20% का कमीशन रख सकते हैं। इसके अलावा ग्रोसरी आइटम पे आप प्रोडक्ट वाइज भी कमीशन रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से आपको पैसे आने वाले हैं। तो दोस्तों आप भी थोड़े से इन्वेस्टमेंट से अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो ई समुदाय का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आपको सिंपली क्या करना होगा, उसके ऊपर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको ई समुदाय की टीम की तरफ से कॉल आ जाएगा। तो दोस्तों आप वेट किस चीज का कर रहे हैं, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अभी का अभी जाके रजिस्ट्रेशन करवाइए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। इसके अलावा दोस्तों आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं तो कमाओ कमांडो के इंस्टाग्राम हैंडल पे आके आप मुझे DM कर सकते हैं, वहां पे मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।